अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। जायके का तड़का पंजाबी किचन में खुश आमदी। आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात रेवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत पसंद की जाती है, मोस्टली सर्दियों में लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए जनाब, देर किस बात की, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एक प्याली मैंने लिए हैं तिल, जिनको मैंने अच्छे से छान लिया और इसमें से कोई अगर गंद या कोई डस्ट वगैरह वो अलग कर दिए। दो पिंच हमें चाहिए मीठा सोडा। एक प्याली मैंने गुड़ लिया है, जिनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, और साथ में देसी घी। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कढ़ाई जो है वो रख दी है और हम अपने तिल जो है उनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। वो इसलिए कि अगर तिल में कोई नमी वगैरह होगी तो वो भी ड्राई हो जाएगी और हमारे तिल जो है वो थोड़े से फूल भी जाएंगे। ये सारा काम हम लो फ्लेम पे करेंगे। अगर फ्लेम ज़्यादा हुई तो हमारे तिल जो है वो जलने का खतरा है। एक मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। एक मिनट हो गया और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी जी। तो तिल हम निकाल चुके हैं, अब मैं इसमें अपना गुड़ ऐड करूंगी। बेहतर यही है कि आप इसको छोटे छोटे पीसेस कर लें ताकि ये ना हो कि छोटे वाले पीस हैं जो हों और वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और बड़े जो हैं वो जलना शुरू हो जाए। दो घूंट इसमें दो टेबलस्पून पानी ऐड किया है और अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छा, रेवड़ी इतनी अच्छी बनेगी कि ये बिल्कुल आपको पहलवान रेवड़ी के मुतबादल ही लगेगी। तो जी जनाब, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, मैं इसको ड्रेन कर लूंगी ताकि अगर इसमें कोई गन्ने का तिनका वगैरह है तो वो भी निकल जाए। तो देखिए जनाब, गुड़ को मैं ड्रेन कर रही हूँ और दोबारा से हम इसको फिर से कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसको हम दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर चुके हैं और अब हम इसकी पकाई करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप ज़रा वाइट कलर में गूंद लें ताकि पकाई से ये हमारा ज़्यादा काला या कलर बहुत ज़्यादा डार्क होने का जो ख़तरा वो कम हो। अब इसमें एक से दो पिंच हम मीठा सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको चेक करने का तरीका ये है, हमारा जो चाश है वो रेडी हुई है या नहीं। इसको मैं ठंडे पानी में थोड़ा सा ऐड करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें, ऐड करने के बाद ये इकट्ठा हो गया, मतलब ये हमारा गुड़ जो है वो रेडी है। अब मैंने इसको नॉनस्टिक के पैन में निकालना है तो मैंने उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच देसी घी भर के जो है वो डालूंगी और इसको अच्छे से हिला लूंगी और फिर इसको पैन में निकाल लूंगी। घी हमारा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसको पैन में निकालना है जी। तो देखिए जनाब, मैं इसको पैन में निकाल चुकी हूँ, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो जी व्यूवर्स, देखिए ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब इसको हम हाथों की मदद से, फैक्ट्रीज में तो ये मशीनों से होता है ये सारा प्रोसीजर, लेकिन हम हाथों की मदद से इसको इस तरह से करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इसको 8 से 10 मिनट इस तरह से करेंगे, फैक्ट्रीज में तो ये मशीनों से होता है, और इसको हम नीम गरम गरम ही करेंगे, ठंडा होने पे ये इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे इसको। इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है। जी अब ये हमारा तैयार है और हम इसकी रेवड़ियाँ जिस साइज में आपको पसंद है उस तरह से करने के बाद जी देखिए, और ये जल्दी जल्दी आपने करना है इसके ठंडे होने से पहले, वरना आपकी रेवड़ियाँ जो है वो बन नहीं पाएंगी। तो देखिए जनाब, रेवड़ियाँ हमारी तैयार हैं, अब मैं इसको ठंडा करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो जी देखिए जनाब,
मैक्सिमम 2 घंटे बाद इसको ड्राई करने के बाद हमारी रेवड़ियां जो है वो तैयार हैं। ये देखें कितनी कड़क बनी है, आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। अल्लाह आपके किचन की रौनकें बहाल रखे। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपनी मेजबान नौशीन अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।